अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी खान और आज की वीडियो आप लोगों को पांच बड़े बेनिफिट्स देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करना सीखेंगे। और पहला बेनिफिट जो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मिलेगा वो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बिल्ड होगा, आपको ऐसे फील होगा जैसे कि आप लोग एक प्रो की तरह ट्रेडिंग कर रहे हो। सेकेंड बेनिफिट जो आप लोगों को मिलेगा, क्विक डिसीजन मेकर बन जाओगे, आप अच्छे डिसीजन बना सकोगे कम टाइम में और बिल्कुल आप लोगों की टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो कि आप लोगों को इस वीडियो का मिलने वाला है वो है आप लोगों का एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन ट्रेडिंग। अगर आप लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ जाती है ना, तो आप लोग बिल्कुल एक प्रो की तरह ट्रेडिंग करोगे। लेकिन तीसरा बेनिफिट हासिल करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो का पॉइंट नंबर 4 और 5 गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो को मैंने पांच ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पॉइंट को मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको हर पॉइंट के बारे में दूंगा, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। और वीडियो को, इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 5 पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो, अगर आप मुझे कमेंट्स में कहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा और उसमें आप लोगों के साथ अगले 5 पॉइंट शेयर करूंगा कि कैसे आप लोगों ने ब्लैंक चार्ट रीड आउट करना है। फोर्थ एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो के, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंचता रहे। चार्ट को रीड आउट करने के लिए आप लोगों को कैंडल्स के साथ बातें करनी आनी चाहिए, ठीक है। बातें करने से मुराद ये नहीं है कि आप लोग बोलने लग जाओ, बातें करने से मुराद ये है कि अगर चार्ट में किसी जगह पे कोई भी कैंडल बनती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मार्केट में क्या इफेक्ट होने वाला है। एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, और यहाँ पर अगर आप लोग चेक करो तो ये एक पैटर्न है, कैंडलिस्टिक पैटर्न, जिसे हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। प्रीवियस कैंडल इसने अपने अंदर कवर की हुई है, जो ग्रीन कलर की आप लोग कैंडल चेक कर रहे हो। सो ये डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न है, और चार्ट को रीड आउट करने के लिए देखें, ये ब्लैंक चार्ट है, ठीक है। सारा यहाँ पर मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हम लोग कैसे इस चार्ट को रीड आउट करेंगे ब्लैंक। सो अगर हम कैंडलिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैंडलिस्टिक्स हमें क्या कह रही हैं, मार्केट क्या मूव देने वाली है। हर कैंडलिस्टिक का कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पर ये दो कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं, बुलिश एनगल्फिंग है, और बुलिश एनगल्फिंग अगर आपको चार्ट के बॉटम में नज़र आ रहा है, इट मीन्स के मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो ब्लैंक चार्ट में अगर आप लोग कैंडलिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हो तो आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, विदाउट एनीथिंग आप लोग चार्ट को रीड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि मार्केट में क्या रिजल्ट है इस पैटर्न के बनने के बाद। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को देता चलूं तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि एक शूटिंग स्टार हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल अगर आप लोग चेक कर सकते हो तो इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न है, मतलब ये सिंगल कैंडल आपके चार्ट को इफेक्ट करेगी। और अगर आप लोगों को चार्ट रीड आउट करना आता है, आप लोगों को कैंडलिस्टिक्स का पता है कि किस कैंडल का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो गाइज आप लोग यहाँ पर शूटिंग स्टार देखते ही एक सेल की ट्रेड उठा लेते, ठीक है। ब्लैंक चार्ट के ऊपर कोई ड्राइंग नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, आप लोग यहां पर अपनी एंट्री ले सकते थे मार्केट में, क्योंकि ये बेयरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है और बेयरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न हमें हमेशा चार्ट के टॉप पे ढूंढना है, और यहां पर ये हमें टॉप पे नजर आ रहा है, तो आप लोग इसका इफेक्ट देख सकते हो। सो गाइज अगर आप लोगों को ब्लैंक चार्ट रीड आउट करना है तो कैंडलिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको रीड आउट करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि चार्ट को रीड आउट करने के लिए कैंडलिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसी तरह टाइम फ्रेम भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करने के लिए। तो अभी हम टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि टाइम फ्रेम की सिलेक्शन आप लोगों ने कैसे करनी है ब्लैंक चार्ट की रीडिंग करने के लिए। गाइज अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करना एक बेवकूफ़ी है,
ठीक है, आप लोग आओगे एक सेकंड का सिलेक्ट करोगे या फिर 10 मिनट का, 30 मिनट का, 45 मिनट का, अगर आप लोग रैंडमली सिलेक्शन करते हो तो ये आप लोगों की बेवकूफ़ी है। सो चार्ट रीडिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस टाइम फ्रेम के साथ जाने वाले हैं, और टाइम फ्रेम की सिलेक्शन आप लोग अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी ट्रेडिंग करने वाला हूँ, मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड लगाने वाला हूँ यहाँ पर, या मैं स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप लोग सिलेक्ट कर लोगे स्कैल्पिंग के लिए, तो आप लोग चार्ट को रीड आउट करना स्टार्ट करोगे। ऐसे नहीं होगा कि आप लोग रैंडम ही कोई उठा के तो वहाँ पर चार्ट रीड आउट कर रहे हो, ट्रेड आप कोई लगा रहे हो और ट्रेडिंग स्टाइल मतलब आप लोगों का कुछ और है और करना आप लोग कुछ और चाह रहे हो। सो ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है इंडिकेटर्स के बारे में, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंडिकेटर्स को आप लोगों ने कैसे देखना है, कौन से इंडिकेटर्स देखने हैं ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करने में, जो आपके इंडिकेटर्स यूज होंगे वो आपको कैसे हेल्प करेंगे। अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाए तो इंडिकेटर्स आप लोगों को जस्ट इंडिकेशन देते हैं, आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बताते। चार्ट रीडिंग में इंडिकेशन के लिए आप लोग इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो, और एफएक्स में अगर आप लोग जाओ ट्रेडिंग व्यू पर, आप लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, मूविंग एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो चार्ट की रीडिंग के लिए। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम, जिसको आप लोग अगर लगा लेते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस कैंडलस्टिक में कितना वॉल्यूम आ रहा है। सो फाइनल जो हमारा इंडिकेटर है वो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा बोलिंजर बैंड्स या आरएसआई इंडिकेटर, इन दोनों में से आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो चार्ट की रीडिंग के लिए, ये आप लोगों को एक अच्छी इंडिकेशन देगा। हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है, अभी हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करने के लिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस जगह पे सपोर्ट है और किस जगह पे रेजिस्टेंस है, चार्ट को देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। सो इस पॉइंट पे डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। गाइस, ब्लैंक चार्ट पे आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करना चाह रहे हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एरिया का अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा फाउल है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को एक अच्छा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट दे सकते हैं मार्केट के अंदर, और बहुत सारे ट्रेडर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस भी होता है और एंट्री पॉइंट भी होता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, मार्केट में अगर कोई भी ऐसा प्लेस आप लोगों को नज़र आ रहा है जहाँ पर मार्केट बार बार टच कर रही है लेकिन उस जगह से ऊपर नहीं जा पा रही, जैसे कि ये पॉइंट आप लोग देख सकते हो। अभी मैंने कोई भी यहाँ पर ड्राइंग नहीं की लेकिन मुझे पता चल गया कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रही। सो गाइज, यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और जिस एरियाज के नीचे मार्केट नहीं आ पा रही वो हमारा एक सपोर्ट लेवल रहेगा। बार बार टच हो रही है मार्केट, यहाँ पर भी टच हुई है, इस जगह पर भी टच हुई है, लेकिन मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जा रही। सो ये हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ब्लैंक चार्ट के ऊपर विदाउट एनी ड्राइंग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे रहेगा, और जैसे ही यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि ये जो हमारा लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद आप लोग अगर एंट्री लेते हो तो यहाँ पर इसके रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग कहते हो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और इस जगह पे ये चेक करें गाइस, यहाँ पर अगर मैं अपना सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गई और रीटेस्ट करने पे यहाँ मार्केट ने अगेन बाउंस बैक ले लिया है। तो यहाँ पर आप लोग अगर एंट्री लेते हो जो कि हमारा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है, तो आप लोग इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें तो इस लेवल को टच हुई है मार्केट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। सो फाइनली गाइस, हम अपने फाइनल एंड 5th पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि ट्रेंड लाइंस हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस कब, कहाँ और कैसे बनानी है, ठीक है, और ब्लैंक चार्ट के ऊपर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस लेवल पे ट्रेंड लाइन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सो दोस्तों, हमारा जो फाइनल पॉइंट है इस वीडियो का वो है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ब्लैंक चार्ट को रीड आउट करने में। इंपॉर्टेंस ऐसे रखती हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर कोई एरिया है तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है। हम लोग इसको ट्रेंड लाइन अपने माइंड में रखते हुए रीड आउट कर सकते हैं इस चार्ट को, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को माइंड में हम लोगों ने रखना है इस जगह पे, या कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जिसको हम लोगों ने माइंड में रखना है और हम इस चार्ट को रीड आउट कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं होगा कि किसी जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है जैसे कि यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मार्केट हमेशा जब भी ट्रेंड में होगी उस जगह पे हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन के नज़रिए से इसको देखूंगा कि यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बननी चाहिए और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो वहाँ पर मैंने एंट्री लेनी है। सेम इसी तरह मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का को सपोज करूँगा, अपने माइंड में लेकर आऊँगा और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ब्रेकआउट आया है मार्केट के अंदर। मैं कोई भी ड्राइंग नहीं करूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये एक ब्रेकआउट है और यहाँ पर मुझे मार्केट में एंट्री लेनी है। सो गाइज, इस तरह से आप लोग चार्ट को रीड आउट कर सकते हो ब्लैंक चार्ट को। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हो तो अभी मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।